दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कि आप लोग अपने SBI क्रेडिट कार्ड के बिल को बिल जनरेट होने से पहले कैसे पे करते हैं। तो बहुत ही सिंपल वे है, आपको इस वीडियो को लास्ट देखना है ताकि दोस्तों आप लोग सब कुछ समझ पाएँ। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने अपने SBI कार्ड ऐप को ओपन कर लिया है और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगा कि मैं यहाँ पर बिल जनरेट होने से पहले कैसे पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पर अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मेरा जो 15 तारीख को बिल जनरेट हुआ है वहाँ पे मेरी जो टोटल ड्यू थी वो 60 रुपये थी। वहाँ पे मेरा जो बिल जनरेट होता है वो 15 तारीख को होता है, आई मीन दोस्तों हर महीने की 15 तारीख को। अब आने वाली दोस्तों जो 15 तारीख है उस डेट में मेरा बिल जनरेट होने वाला है। मान लेते हैं दोस्तों मेरा जो बिल जनरेट होगा वो लगभग 10,000 के आसपास होने वाला है, ठीक है। ये दोस्तों मैं एग्ज़ाम्पल के लिए लेके चल रहा हूँ और दोस्तों इतना होने वाला है शायद। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं इतना पेमेंट उस समय ना करके मैं अभी थोड़ा सा पेमेंट कर देता हूँ ताकि मेरा जो बिल जनरेट हो वो उसमें कम हो गया है। तो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं 8,000 यहाँ पेमेंट अभी कर दूँगा बिल जनरेट होने से पहले कर दूँगा तो मेरा दोस्तों जब बिल जनरेट होगा तो उसमें मेरा सिर्फ कितना आएगा, सिर्फ 2,000 आएगा, ठीक है। कहने दोस्तों मतलब ये, अगर 10,000 मेरा बिल जनरेट होकर आने वाला है, मैं अगर 8,000 उसमें पेमेंट कर दूँगा तो मेरा 2,000 उसमें आएगा। आई होप दोस्तों ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब दोस्तों पेमेंट कैसे करेंगे, तो सिंपल वे है, आपको यहाँ पे नाउ पे टिक करना होता है। तो दोस्तों आपको पेमेंट करने के बाद ये देखना है कि मेरा जो पेमेंट मैंने किया है वो हमारे कार्ड में शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपको दोस्तों वहाँ पे एक ऑप्शन होगा अवेलेबल क्रेडिट लिमिट, वहाँ पे दोस्तों जैसे आप लोग पेमेंट करेंगे आपका जो पैसा होगा वो वहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप पेमेंट करने से पहले अपने अवेलेबल क्रेडिट को देख सकते हैं, उसके बाद जब आप पेमेंट कर देंगे तब आप देखेंगे तो वहाँ पर जो आप पेमेंट करेंगे वो आपका पेमेंट अवेलेबल क्रेडिट में शो हो जाएगा। तो इतना होने के बाद आपको पेमेंट करने के लिए आपको पे नाउ पे टिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे नाउ पे टिक कर देते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों लिख के आ रहा है कि स्टेटमेंट ड्यू फॉर लास्ट बिल डेट 15 दिसंबर 2023 इज ऑलरेडी पेड, डू यू विश टू पे मोर। तो यहाँ पर दोस्तों लिख के ये आ रहा है कि आपका जो भी पेमेंट था वो आपने पे कर दिया है, फिर भी अगर आप पे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये पॉपअप देगा और यहाँ पे आपको प्रोसीड वाले बटन पे टिक कर देना है। तो इस तरह का ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पे प्रोसीड पे फिर टिक कर देना है। अब इसके बाद दोस्तों आपका इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा दोस्तों ऊपर को स्क्रॉल कर लेना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से देखना है। यहाँ पर पहले मेरा 60 रुपीज़ था जो कि टोटल ड्यू था, मैं पे कर चुका हूँ इसको। अब दोस्तों हमको यहाँ पर अदर अमाउंट पर टिक करना है। यहाँ पर मैं एडवांस में या बोल सकते हैं कि मैं बिल जनरेट होने से पहले पेमेंट कर रहा हूं, तो आपको यहां पे अदर अमाउंट पे टिक करना है। अब दोस्तों ये जो अमाउंट होगा आपके आने वाले बिल में ये दोस्तों घट के आएगा, ठीक है, ये आपको माइंड में रखना है। तो यहां पे मैं 8,000 रुपये पे करूँगा, ठीक है। आपका दोस्तों जो भी मन हो वो आप एडवांस में जो भी आप पहले से पे करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे 8,000 कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पेमेंट के लिए आपको इंटर बैंकिंग मिल जाएगी, डेबिट कार्ड आई मीन ATM कार्ड मिल जाएगा और UPI भी मिल जाएगा, ठीक है। तो जो भी आपको यहाँ पे सिंपल लगता है या फिर जो भी आप यूज़ करते हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं UPI करूँगा और इसके बाद आपको पे नाउ पे टिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पे UPI पे या फिर बारकोड पे जो भी आप कंफर्टेबल हो, जो भी आपके पास हो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं UPI कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपके जो भी पेमेंट वाले ऐप होंगे वो सारे ओपन हो जाएंगे, जिससे भी दोस्तों आपको पे करना हो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं गूगल पे से इस पेमेंट को कंप्लीट कर दे रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने पेमेंट को कंप्लीट कर दिया है अपने UPI ऐप के माध्यम से। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इसी तरह बने रहना है, ये ऑटोमेटिक ही आपका जो पेज है वो दोस्तों रिफ्रेश हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर मुझे मैसेज भी आ चुका है जो मैंने अभी पे किया है 8,000 रुपये, ठीक है। आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पर मैसेज आ चुका है, वी हैव रिसीव पेमेंट ऑफ 8,000 वाई UPI के माध्यम से मैंने पेमेंट को कंप्लीट कर दिया है। और यहाँ पर भी दोस्तों आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पे आपका ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर वगैरह वगैरह सारी चीज़ दोस्तों आपको यहाँ पे आ जाएंगे। जो पेमेंट था वो तो सक्सेसफुली पेमेंट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे हम एग्जिट पे आएंगे और यहाँ पे मैंने जो भी पेमेंट किया है वो मेरा जो पेमेंट है वो अवेलेबल क्रेडिट में दोस्तों शो हो गया है। तो इसी तरीके से दोस्तों आपका जो भी पेमेंट है बिल जनरेट होने से पहले पे करना चाहते हैं वो दोस्तों आप इसी तरीके से कर पाएंगे और मेरे आने वाले बिल में ये दोस्तों घट के ही आएगा, ठीक है। अगर मेरा 10,000 आने वाला था तो वहाँ पे मेरा आपसे 2,000 रुपये ही आएगा, ठीक है। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आप लोग बिल जनरेट होने से पहले
पेमेंट को कैसे करते हैं। फिर भी दोस्तों अगर आपके मन में कोई सवाल रह गया हो, कोई भी डाउट हो आपका, तो बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट का उत्तर जोड़ दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।